गाइस, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से तब तक रिटर्न जनरेट करते रहेंगे जब तक कि आपको आपसे बड़ा बेवकूफ ना मिल जाए आपके शेयर्स को खरीदने के लिए। एंड इसे कहते हैं ग्रेट ऑफ फूल थ्योरी, जो कि इस वक्त अडानी ग्रुप के केस में चल रही है। गाइस, अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो अभी बहुत ज्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, एंड कंपनी के फंडामेंटल्स उतनी हाई वैल्यूएशन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक हाईली ओवर वैल्यूड प्राइस पे। गाइज, इस चीज को दिखाने के लिए कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लेट्स सी द पीई रेशियो ऑफ अडानी स्टॉक्स। गाइज, अडानी ट्रांसमिशन का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 358 है, जबकि उसके सेक्टर का पीई 30 है, अडानी एंटरप्राइज का 359 एंड सेक्टर का पीई 52, अडानी टोटल गैस का 765 एंड सेक्टर का पीई 30, अडानी ग्रीन का 752 सेक्टर का 30, विल्मर का 130 एंड सेक्टर का 49। एंड गाइस, अब इस डेटा को देखिए आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं बार बार क्यों कह रहा था कि कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करेंगे। एंड गाइस, ये सोचने वाली बात है कि जब भी हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तब हम सब्जी वाले से 5-10 रुपए के लिए बार्गेन करते हैं, जबकि अगर हमने उसे 5-10 रुपए ज्यादा भी दे दिए तो हमें कोई नुकसान नहीं है। बट जब बात आती है स्टॉक मार्केट की तब हम एक हॉट स्टॉक को हाई प्राइस पे खरीदने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। एंड गाइस, इसी से पता चलता है कि जानते तो सब लोग हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे करता है, बट असलियत में करता कोई नहीं है। एंड इसी वजह से लोगों का लॉस होता है, एंड तभी लोग स्टॉक मार्केट को एक जुआ कहते हैं। सेकंड पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अडानी स्टॉक्स। एंड गाइस, ये चीज मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वैल्यू रिसर्च जो कि एक एडवाइजरी फर्म है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स ने अडानी ग्रुप का 0.76% स्टेक ही होल्ड कर रखा है। That means guys, कि अडानी ग्रुप की आज के टाइम पे टोटल मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है, बट म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ 15,535 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो कि 20 लाख करोड़ का सिर्फ 0.76% स्टेक है। गाइज, ये तो बात हुई अडानी ग्रुप की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है। बट अगर आप किसी और इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को देखो, जैसे रिलायंस, तो वहां पे भी डीआई को 14.9% स्टेक है। एंड अगर आप टाटा से रिलेटेड किसी कंपनी को देख रहे हो तो वहां पे भी डीआई का 15-20% के बीच में स्टेक दिख जाएगा। तो गाइस, ये चीज आपको अजीब नहीं लग रही कि अडानी ने सबसे बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं अभी 1-2 सालों में, बट स्टिल म्यूचुअल फंड से 0.76% स्टेक ही होल्ड क्यों किया है, या फिर सिर्फ 15,535 करोड़ रुपए इन्वेस्ट क्यों किए हैं, इससे ज्यादा भी तो कर सकते थे। एंड देखो गाइस, बात ये है कि जब भी डीआई किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर ये सोचता है कि यार डीआई ने कुछ तो सोच समझ के कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, एंड उन्हें देखा देखी में रिटेल इन्वेस्टर भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। बट यहाँ पे तो सिनेरियो वैसे वर्षा चल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के पीछे भाग रहे हैं एंड डीआई कंपनी से दूरी बना रहे हैं। तो गाइस, चलिए इसके पीछे का रीजन जानते हैं। गाइस, फंड मैनेजर जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, डेट एंड कंपनी का फ्यूचर। गाइस, अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप पे टोटल 2.2 लाख करोड़ का डेट है, जो कि बहुत ज्यादा है, प्लस वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा हाई चल रही है। एंड गाइस, अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन उतने भी ज्यादा अच्छे नहीं कि कंपनी 10 से 20 गुना पीई पर ट्रेड करे अपने पीयर्स के मुकाबले। एंड गाइस, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पीई तो एडजस्ट हो जाएगा अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ या फिर ईपीएस अच्छा हो गया तो। गाइस, हो जाएगा, बट वो एक फ्यूचर है एंड वो एक प्रोबेबिलिटी है, हम पूरे श्योर तो नहीं है ना कि वो होगा कि नहीं होगा। एंड दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक डेटा शेयर करने वाला हूँ जिसको देख के आपको ये पता चलेगा कि कितने म्यूचुअल फंड्स ने अडानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, म्यूचुअल फंड्स ने अडानी पोर्ट्स एंड अडानी एंटरप्राइजेस में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसके अलावा तो बाकी कंपनियों में नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। सो गाइस, ये तो बात हो गई व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर नॉट इन्वेस्टिंग अडानी स्टॉक्स। अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर के। गाइस, ये तो आप सभी को बता होगा कि अडानी ग्रुप का रेवेन्यू मेनली रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है, बट हाल में अडानी ग्रुप अपनी पकड़ टेलीकॉम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर में बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी वजह से मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है, वो भी अपने कदम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ाने लग गए। रिसेंटली रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक इकोसिस्टम बनाने के लिए 5.95 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं ओवर ए स्पैन ऑफ 10-15 इयर्स। एंड गाइस, फॉर दिस पर्पस रिलायंस ने बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर किया है, जैसे फेरेडियन लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग सोडियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड इसके अलावा लिथियम वर्क्स, विच इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ कोबाल्ट फ्री एंड हाई परफॉर्मेंस लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज प्रोवाइडर, देन REC सोलर होल्डिंग, जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देन स्काईट्रेन, सेंस हॉक, Ambry, Sterling and Wilson, Nexwafe, Stagedell and Kerex. And guys, Reliance ने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया या फिर एक्वायर किया वो अपनी अपनी फील्ड की वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज है।
एंड गाइस ये मत बोलना कि रिलायंस भले ही लेट एंट्री करता है बट एट द एंड वो उस सेक्टर का लीडर बन जाता है, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के आने के बाद हुआ था। सो गाइस फाइनली अंबानी और अडानी के बीच बहुत तगड़े वाला कॉम्पिटिशन होने वाला है, जिसकी वजह से इन दोनों में से किसी एक का बिजनेस तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। गाइस वैसे इस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, एंड अगर आप सभी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस बैक टू द पॉइंट, अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे अडानी ग्रुप में सबसे बेस्ट कौन सी कंपनीज लगती है, तो एज पर माई ओपिनियन मुझे सबसे बेस्ट अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी बिल्डमर लगती है। बट गाइस स्टिल वो अभी थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे है, इसलिए मैं प्राइस ड्रॉप का या करेक्शन का इंतजार करूंगा, जो कि हो सकता है हमें प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखने को मिल जाए। सो गाइस इस टाइम पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इस वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, एंड हो सकता है आपके और मेरी ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट हो, एंड हो सकता है आप सही भी हो, इसीलिए वंस अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन ओपिनियन, एंड इसको मानना है नहीं मानना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। फर्स्ट थिंग, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गाइस किसी भी रैंडम लेवल पर इन्वेस्ट मत कर देना, प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करना एंड बाद में इन्वेस्ट करना। सेकंड थिंग गाइस, अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के बहुत ज्यादा हायर प्राइस पे पोजीशन बना ली है एंड अगर अभी तक ज्यादा कुछ प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, तो आप अभी के अपने शेयर बेच सकते हैं, बिकॉज गाइस आपको पता होगा कि मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, एंड इसके चलते अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, जैसे कि हमें जून में मिली थी निफ्टी ने जब 52 वीक लो बनाया था, तो उस केस में गाइस हो सकता है शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर जाए एंड वापस से शेयर को उसके ब्रेक इवन पॉइंट में आने में बहुत टाइम लग सकती है। एंड गाइस ये चीज तो आप सभी को बताओगी कि टाइम इज मनी एंड मनी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड थिंग, अगर आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गाइज अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ताकि करेक्शन आए स्टॉक्स में एंड उनकी वैल्यू थोड़ी जस्टिफाइड हो जाए, उसके बाद ही हम कोई नई पोजीशन बनाएंगे। सो गाइज द वीडियो एंड्स हियर, एंड उम्मीद करता हूँ कि अडानी ग्रुप पे ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एंड इसी तरह की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर